हेलो गाइस, वेलकम टू डीएम की क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में रिवॉल्ट ऑफ 1857 को डिटेल में कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। हमने ये भी देखा था क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये रिवॉल्ट कन्फाइंड था छोटे छोटे एरियाज से। कुछ लिमिटेड लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सबके अपने अपने रीजंस थे लड़ाई के। ये एक हम कह सकते हैं कि एक कम्प्लीट रिवॉल्ट नहीं रहा, कम्प्लीट इंडिया में रिवॉल्ट नहीं रहा, ये कुछ लिमिटेड एरियाज तक ही ये रिवॉल्ट रहा। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक जो है, इसके फर्दर आगे हम चलेंगे कि राइज़ कैसे हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो हम कह सकते हैं कि राइज़ जो था नेशनल कॉन्शियसनेस का, यानी देश के प्रति जागरूक जो लोग हुए, पहली बार ये देखा गया 19th century के लेटर हाफ में, जिसमें सबसे पहला स्टेप रहा 1883 में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बना और उन्होंने इनवाइट किया देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग लोगों को डिस्कस करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन की, क्या रीजंस हैं कि इंडियन का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, इंडियंस आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स जो हैं हम पे रूल कर रहे हैं। ये कह तो रहे हैं कि हम आपके वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, पर एक्चुअली में हमारे लिए कहाँ पे वर्क दिख रहा है, हम कहाँ से प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन कहाँ जा रही है, बाकी सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ये क्वेश्चन था इंडियंस के माइंड में कि ये अलग अलग पॉलिसीज़ बनाए जा रहे हैं जिससे हमारा शोषण हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो क्या करें ऐसा कि जिसकी वजह से हम इनके अगेंस्ट जो है एकजुट होकर खड़े हो सके। उसके बाद एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आए। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने 1884 में एक और जो है इंडियन नेशनल यूनियन क्रिएट की, मींस ऐसे लोग जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनका एक यूनियन बनाया, और फिर 1884 में इन्होंने फिर से एक मीटिंग रखी। और उसमें क्या हुआ, उस मीटिंग का रिजल्ट क्या था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में बनी थी और जो इंडियन नेशनल यूनियन थी, ये दोनों मर्ज हो गए और फाइनली रिजल्ट हुआ गाइज हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1885। सो गाइज, अभी कहानी ख़त्म नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। काजेज क्या थे राइज़ के, नेशनल मूवमेंट के इंडिया में, मींस अगर लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो क्या रीजंस थे, क्या काजेज थे कि जिनसे उनको पता चला। सबसे पहला काज था गॉयज वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन में एज़ वी ऑल नो कि जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्सेप्ट वेस्टर्न एजुकेशन का इन इंडिया में, वो क्रेडिट जाता है लॉर्ड मकावले को। और उस समय एजुकेशन तो दी उन्होंने इंडियंस को। उनका रीज़न ये था, उनका लॉजिक ये था कि अगर हम इंडियंस को एजुकेट करेंगे तो ये हमारे लोकल अफेयर्स में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि इनको कॉमन डायलेक्ट भी पता है, कॉमन लैंग्वेज भी पता है, और ये अगर वेस्टर्न एजुकेशन यानी इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख जाएंगे तो एज अ इंटरमीडियरीज ये काम करेंगे हमारे और लोकल पीपल के बीच में, जिससे कि उनका मैसेज ज़्यादा अच्छे से जो है लोगों तक पहुँच सकेगा, वो ज़्यादा अच्छे से रूल कर पाएंगे। बट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कैसे उल्टा हुआ, क्योंकि जब इंडियंस के एजुकेशन मिला, वेस्टर्न एजुकेशन मिला, उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा, तो उसमें उनको लिबरल और रेडिकल थॉट्स के बारे में पता चला जो यूरोपियन राइटर्स सोचते थे। इससे क्या हुआ कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, इसने यूनाइट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट इंडियंस को, डिफरेंट रिलीजन्स को और डिफरेंट रीजन्स को, क्योंकि ये कॉमन मोड ऑफ लैंग्वेज बन गया उस समय। क्योंकि पहले अलग अलग लैंग्वेजेस थी अलग अलग रीजन्स में, तो दे माइट नॉट बी सो फेमिलियर कि उनको वो चीज़ें समझ हो सकता है मुझे आपकी लैंग्वेज समझ ना आए या आपको मेरी लैंग्वेज समझ ना आए, बट जब इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई तो उस समय दे कैन ईजिली कन्वर्सेट विद वन अनदर। तो पहला रीज़न था वेस्टर्न एजुकेशन। सेकेंड रीज़न दोस्तों बना, वो था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, मीन्स लोकल लैंग्वेजेस जो थी उस समय उनको भी रिवाइवल मिला, उनको भी बढ़ावा मिला इस दौरान। तो लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिलने के कारण जो था लोगों का जो थी लिटरेचर वगैरह क्रिएट हुआ उसमें, और जिसकी वजह से जो है लोगों को और ज़्यादा नॉलेज मिला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे हमने ऑलरेडी गाइज रिवॉल्ट ऑफ 1857 में देखा था कि
अगेंस्ट सती लॉ आया था, विडोरी मैरिज के अगेंस्ट लॉ आया था। तो ये सारे सुपरस्टिशंस जो थे हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर जो लाए गए, और उस समय के जो नोबल रिफॉर्मर्स थे वो थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले जैसे ऐसे लोगों को हम इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ देख सकते हैं। और इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने जो सबसे अच्छा काम किया था, इन्होंने यूनिटी और साइंटिफिक थॉट डेवलप किया था, वुमेन एम्पावरमेंट की थी, और पैट्रियटिज्म को भी जो था इन्वॉल्व किया था यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसा कि गाइस हम जानते हैं, ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत को सोने की चिड़िया मानते थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे भारत से वेल्थ यानी सोना इकट्ठा करने के लिए आए थे। मीन्स वो जो थे अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आते थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आते थे, हैवी टैक्सेशन करते थे, जिसकी वजह से वो जो थी हमारे यहाँ पे हमारी वेल्थ को ले जाते थे, लूट के ले जाते थे। और उसके बाद फेमाइंस भी आए यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो गई। तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने कोई भी चेंजेस जो थी जो फार्मर्स के लिए या जो यहाँ पे लोकल लोगों के लिए, कुछ भी ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लाए जिनसे कि उनका कुछ भला हो सके। इनफैक्ट वो जो थे उन्होंने और ज़्यादा पावर्टी और ज़्यादा इंडेबटेडनेस लाई इंडियन फार्मर्स के अंदर। तो जिसकी वजह से दे ऑल वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। द नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल यूनिटी। जो अच्छा काम किया है इन्होंने ब्रिटिशर्स ने वो था पॉलिटिकल यूनिटी। मींस उन्होंने पूरे इंडिया को एज अ सिंगल यूनिट मान के उसको रूल किया। वो इंडिया को एज अ हिंद या एज अ इंडिया कंप्लीट यूनिट मानते थे, जिसकी वजह से भी था कि फीलिंग ऑफ वननेस था सारे लोगों के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉज था वो था कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मींस इन्होंने टेलीग्राम का और रेल रोड्स इन सब चीज़ों का भी डेवलपमेंट किया, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ गई। कनेक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो थे वो ज़्यादा इजी हो गए, जिसकी वजह से अगेन देयर वाज द पर्कुलेशन ऑफ मैसेज। जो मैसेजेस थे वो ज़्यादा इजीली ट्रैवल हो सके वन पार्ट ऑफ कंट्री टू अनदर पार्ट, जिसकी वजह से भी लोगों में जागरूकता आई और वो अवेयर हो गए ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के बारे में। द नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ ऑफ मॉडर्न प्रेस, यानी जो ये थी ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न प्रेस को भी बढ़ावा दिया। उस समय लोकल पीपल को अलाउ किया कि वो जो है प्रेस वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह खोल सकते हैं, जिनकी वजह से जो लोग थे वो उसमें अपने जो थे आइडियाज़ को पब्लिश करके तो लोगों को और ज़्यादा नॉलेज दे रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो काज बना वो था लॉर्ड लिटन की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़। कई जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फेमाइन आया, लेकिन ये फेमाइन आया कब था? इन 1876। उस समय वॉइस राय थे लॉर्ड लिटन, और 1876 से 1880 तक वो वाइस राय बने। और उस समय फेमाइन आया था यानी सूखा पड़ा था साउथ इंडिया में, और ऑलमोस्ट उस फेमाइन के कारण 10 मिलियन लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। ऊपर से उनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज़ ऐसी थी कि वो कोई भी रिबेट या कोई भी टैक्सेशन पे छूट नहीं दे रहे थे। उस समय भुखमरी थी चारों तरफ, पर फिर भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में ज़रा भी चेंज नहीं लाया था, जिससे फेमाइन की कंडीशन और ज़्यादा बद से बदतर हो गई। उसी समय उन्होंने ऐसी बुरी कंडीशन इंडिया में होने के बावजूद भी एक ग्रैंड दिल्ली में दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो था मनी स्पेंड किया, जहाँ लोग भूख से प्यास से तड़प रहे थे, मर रहे थे, वहीं पे ये दिल्ली दरबार से जाके बैठे हुए थे लॉर्ड लिटन इन 1877। अगेन इन्होंने मिजरी क्रिएट की लोगों के माइंड्स में। उसके बाद 1878 में इन्होंने एक नया एक्ट पास कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें उन्होंने अथोराइज किया गवर्नमेंट को उन प्रेसेस को कॉन्फिस्केट करने के लिए, बंद करने के लिए, जो प्रिंट करते थे मटेरियल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट करते थे, तो ऐसी प्रेसेस को उन्होंने बोला कि हम इनको बंद कर देंगे। उसी समय 1878 में इन्होंने एक और एक्ट पास किया, आर्म्स एक्ट, जिसे हम जिसमें ये था कि इंडियंस को कोई भी वेपन कैरी करने की परमिशन नहीं थी,
विदाउट लाइसेंस। अगर उनके पास लाइसेंस है वो तभी जो थे एमिनिशन कैरी कर सकते थे, लेकिन उसी समय सेम टाइम पे यूरोपियंस के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं था, वो बिना लाइसेंस के भी वेपन जो थे वो रख सकते थे। तो ऐसे गाइस हम देख रहे हैं कितने छोटे छोटे रीजंस हैं, पर वो कितने बड़े लेवल पे कितना माइंडसेट जो है इंडियंस का बदल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी जो आती है दैट इज़ एल्बर्ट विल कॉन्ट्रोवर्सी। ये कब आई गाइस? ये आई 1883 में। इस बिल ने क्या किया था? दिस बिल गेव इंडियन जजेस द पावर टू हेयर केसेस अगेंस्ट यूरोपियंस। मीन्स इससे पहले क्या था कि जो यूरोपियंस के ऊपर कोई भी केस चलता था, कोई भी लीगल एक्टिविटी होती थी, तो उसमें कभी भी इंडियन जजेस को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो उनको उनके बारे में हियरिंग्स करें और उनके डिसीजंस भी सुनाएं, उनको सज़ा भी दें। बट 1883 के एल्बर्ट विल ने परमिशन दिया इंडियन जजेस को कि दे कैन नाउ हेयर द केसेस अगेंस्ट यूरोपियंस। और उसमें जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड रिपन एंड सर कर्टनी एल्बर्ट, जो कि लीगल एडवाइज़र थे काउंसिल ऑफ इंडिया के, इन दोनों ने मिलकर के ये बिल पास किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये ज़रा भी पसंद नहीं आया, ब्रिटिशर्स इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत सारा ह्यू एंड क्राई प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई लॉ नहीं होना चाहिए। तो इससे भी लोगों को पता चला कि एक्चुअल नेचर क्या है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का, ब्रिटिशर्स के माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, ये भी लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई। द नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ नेशनल मूवमेंट आउटसाइड द कंट्रीज। मीन्स इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी उस समय मूवमेंट चल रही थी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो इंडियंस देख रहे थे क्योंकि उनको वेस्टर्न एजुकेशन आ गया था, अब वो बाहर जा कर के नॉलेज भी ले रहे थे, इंग्लिश लर्न भी कर रहे थे, और उनकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो दे आर अवेयर कि आउट ऑफ कंट्री चल क्या रहा है, कैसे अमेरिकन जो थे ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हो गए। सो ये भी सारा उनके माइंड में क्लैरिटी होगी। तो ये सारे कारण मिल करके ये लीड करते हैं हमारे टूवर्ड्स द राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो गाइज लेट्स सी कि INC कब बना। INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, कौन उसके फाउंडर थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उस समय कौन वॉइस रॉय था, प्रेसिडेंट कौन था, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सीन इन द फर्दर अपकमिंग स्लाइड्स। सो गाइज एंड तक बने रहिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पे आता है सबसे पहले फॉर्म किसने किया था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम एओ ह्यूम भी जानते हैं, एओ ह्यूम नॉर्मली हम लिखते हैं। इनके अलावा हमारे साथ को फाउंडर्स जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा। जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। गाइज एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना, जो फर्स्ट सेशन एक्चुअली प्लान हुआ था वो प्लान हुआ था पुणे के लिए। बट क्यों पुणे में नहीं हुआ? क्योंकि उस समय कॉलरा ब्रेकआउट हो गया था, जिसकी वजह से पुणे में ये ना करके हमारा बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। तो कहाँ पे हुआ था बॉम्बे में? द लोकेशन इज़ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और कितने लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया? द टोटल स्ट्रेंथ वॉज 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो थे उन्होंने मिल करके इस सेशन को अटेंड किया। सो गाइस कोई भी सेशन, कोई भी मीटिंग होती है तो उसका कोई चेयरपर्सन होगा, कोई हेड होगा जो उस मीटिंग को प्रोसीड करेगा। सो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे उस समय बने थे WC बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था गाइस? 1885 में। और कौन प्रेसिडेंट रहे? WC बनर्जी जो थे उसके प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने प्रिजाइड किया इस मीटिंग को। एंड गाइस उस समय जो वॉइस रॉय थे इंडिया के वो कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। अब ये हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा गाइस कि क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, इसका क्या फ़ायदा है, क्या रीज़न है कि क्यों ये एक कांग्रेस बनी, ये ग्रुप बना ऑफ इंडियन एजुकेटेड इंडियन एलाइट्स। तो ये एक्चुअली इनकी इंटेंशन थी कि ये कंट्री में जो भी डिफरेंट लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या लैंग्वेज का पर्सन है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, हम बैठ करके उनको डिस्कस करें और फिर एक एजेंडा प्रिपेयर करें और फिर ब्रिटिश पावर्स के अगेंस्ट हम जो है इन लड़ाई स्टार्ट करें। हम अपने जो है डिफरेंट पैटर्न्स है गाइस, हम आगे देखेंगे क्या क्या पैटर्न्स थे, कौन कौन लोग थे,
किस किस तरह से उनका लड़ने का क्या तरीका था, वो कैसे अपनी बातें जो थे ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे, तो अंत तक बने रह गए। सो फर्स्ट सेशन जो हुआ हमारा, जैसे कि हमने देखा, वो हुआ था बॉम्बे में। ऐसे ही हर साल इन्होंने प्लान किया कि दे विल मीट एवरी ईयर एंड डिस्कस द वेरियस इश्यूज एंड प्रिपेयर द फर्दर एजेंडा। सो सेकेंड सेशन कहाँ हुआ गाइस, तो वो हुआ कैलकटा में 1886 में, और उसको प्रिजाइड किसने किया, उसके प्रेजिडेंट कौन से, तो दैट वॉज दादा भाई नारोजी। देन थर्ड सेशन कहाँ हुआ गाइस, मद्रास में हुआ 1887 में, इसको किसने प्रिजाइड किया, बद्रुद्दीन तैयब जी। एंड फोर्थ जो हुआ गाइस वो हुआ अलाहाबाद में, एंड उसको प्रिजाइड किसने किया, वो किया जॉर्ज यूल ने उसको प्रिजाइड किया। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस अब यहाँ पे आता है, व्हाट वर द फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, कौन कौन से फेजेस थे। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को हम तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फेज है दैट इज मॉडरेट फेज, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं नरम दल। सेकेंड फेज जो आता है वो है एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल, और लास्ट फेज जो आता है वो महात्मा गांधी का फेज आता है। सो मॉडरेट फेज कब से कब तक है गाइस, सो दैट इज़ फ्रॉम 1885 टू 1905 तक मॉडरेट फेज चला, यानी मॉडरेट्स की पॉलिसीज पे काम किया इंटरनेशनल कांग्रेस ने। देन नेक्स्ट फेज जो आता है दैट इज़ 1905 टू 1920, इसको कुछ लोग 1920 लिखते हैं तो कुछ लोग 1919 है, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन आपको क्या ऑप्शन एग्जाम्स मिलता है आप इसको चूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज महात्मा गांधी यानी कमिंग ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया एंड हिज वर्क टूवर्ड्स पूर्ण स्वराज, तो वो है हमारा 1920 से 1947, मींस 1885 से लेकर के 1947 तक हम लोगों ने जो है अपना फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू किया है और अलग अलग फेजेस में किया है। सो फर्स्ट फेज के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, और बाकी दो फेजेस हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। सो उस समय जो गोल था, जो मॉडरेट्स का माइंडसेट था, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस मिले, मींस हम चाहते हैं कि हमारी भी जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ी वो भागीदारी हो। हम चाहते तो हैं कि ब्रिटिशर्स जैसे हमारे यहाँ रूल कर रहे हैं करते रहें, बट हमारी भी कुछ सेइंग्स हो, हमारी भी कुछ बात सुनी जाए यहाँ पे। तो उनका तरीका क्या था, मींस क्या अडॉप्ट किए थे, उन्होंने अडॉप्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन को थ्रू P3। P3 मीन्स पिटिशंस प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट, और इसमें कौन कौन सी क्लास इन्वॉल्व थी, ओनली अपर क्लास ऑफ अर्बन एरिया मीन्स इलाइट एजुकेटेड लोग, जो लॉयर्स वगैरह थे, जो एजुकेटेड थे, जो फॉरेन से एजुकेशन लेके आए थे वेस्टर्न एजुकेशन के साथ, एनलाइटन थे, वही लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व थे। सेकेंड फेज था एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसको हम गरम दल भी कहते हैं। तो वो उनके क्या गोल था कि उनका था गोल स्वराज, उनको चाहिए था इंडिपेंडेंस। अब उनके मीन्स क्या थे, उन्होंने स्वदेशी को लाया और पैसिव रेजिस्टेंस किया अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। देन इनमें सोशल बेस क्या था इनका, तो ये था मिडिल क्लास ऑफ अर्बन एरिया, मीन्स जो मिडिल क्लास थी, पहले तो थे मॉडरेट जो थे, अपर इलाइट क्लास थी, एजुकेटेड क्लास थी, लेकिन इसमें कुछ लोग मिडिल क्लास लेवल तक भी जुड़ गए, मीन्स ये आप कह सकते कि एक थोड़े बड़े लेवल की क्रांति जो थी वो बन गई। इनको हम क्रांतिकारी भी बोलते हैं, नेशनल मिलिटेंट नेशनलिस्ट भी हम इनको बोलते हैं। देन नेक्स्ट फेज था महात्मा गांधी का, तो उन्होंने क्या डिमांड किया था, इन्होंने डिमांड किया था संपूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मींस ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं और हमें हमारा देश वापस मिल जाए और हम इसमें अपना राज चलाएंगे। तो इनका तरीका क्या था गाइज, इन्होंने फॉलो किया सत्याग्रह, इन्होंने सत्याग्रह को फॉलो किया, और इन्होंने हर लेवल पे यानी ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की, इन्होंने हर लेवल के पर्सन को इन्वॉल्व किया, एक मास मूवमेंट के रूप में इन्होंने आगे बढ़ने का ट्राई किया। सो गाइज आज हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फेज को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मॉडरेट फेज, उसके कौन लीडर्स थे, क्या उनके पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आपके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज इट इज़ मिलेंगे, वो भी फैक्ट्स आपको इस लेक्चर के एंड में मिल जाएंगे। सो गाइज मूविंग फर्दर, सो नेक्स्ट इज मॉडरेट फेज, जैसा कि हमने ऑलरेडी कहा दिस इज़ फ्रॉम 1885 टू 1905। सो इस फेज में
ऐसे लोग थे हु बिलीव्ड इन ब्रिटिश जस्टिस, उनको ब्रिटिश की जस्टिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा था और वो लॉयल भी थे उनके लिए, ठीक है। तो उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे पहले तो गाइज उनके बारे में जान लेते हैं, फिर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है वो भी हम देखेंगे, और उनकी क्या डिमांड्स थी, ये लीडर्स क्या चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हैं दादाभाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी। गाइज ये डिटेल क्यों दी है लीडर्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं दैट हु इज़ कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सो द ऑप्शन विल बी दादाभाई नौरोजी। तो यही दादाभाई नौरोजी हैं जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक को भी लिखा था, जो किस पे फोकस करती थी, वो जो फोकस करती थी कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारी वेल्थ को, कैसे हमारे देश को लूट के लेके जा रहे हैं। तो इसका फोकस था पॉवर्टी के ऊपर कि कैसे ब्रिटिश जो हैं हमारे इंडिया पे रूल कर रहे हैं। द नेक्स्ट प्रोमिनेंट लीडर जो आते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे ANC के, और ये लॉ प्रोफेशन जो था इनका वो थे लॉयर थे, और ये फर्स्ट इंडियन टू एक्ट एज स्टैंडिंग काउंसिल, मीन्स इंडियन काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव बने थे इंडियन काउंसिल के। देन गाइस नेक्स्ट आते हैं जी सुब्रमण्य आयर, इन्होंने क्या किया था गाइस, इन्होंने फाउंड किया था द हिंदू न्यूज़पेपर। जैसा हमने देखा था कि लोकल प्रेस के लिए उन्होंने परमिशन दे दी थी कि अब जो है प्रेस जो है आप चला सकते हैं इंडिया में लोकली, इन्होंने क्या किया था द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ, इन्होंने क्या किया था, दे क्रिटिसाइज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ किया। इसमें ऑल्सो फाउंडेड तमिल न्यूज़पेपर जिसका नाम था स्वदेश मित्रन, एंड इन्होंने को फाउंड किया था एक सभा जिसका नाम था मद्रास महाजन सभा। देन नेक्स्ट आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल गुरु थे। किसके गुरु थे पॉलिटिकल गुरु, वो थे महात्मा गांधी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। इन्होंने एक और वेलफेयर सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो ट्रेन करते थे डिफरेंट इंडियंस को टूवर्ड्स द वेलफेयर मेजर ऑफ द इंडिया। देन नेक्स्ट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको हम राष्ट्रगुरु या फिर इंडियन बुरके भी कहते हैं। फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड किया था इन्होंने, और जो जाकर के जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में गाइस देखा था कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन से जी जो मर्ज होकर के नेशनल कांग्रेस के साथ क्या बनाती है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने ही पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और लेकिन इनको डिस्चार्ज कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद इन्होंने एक पेपर भी निकाला, उसका नाम था द बंगाली। इनके अलावा गाइस बहुत लंबी लिस्ट है, मॉडर्न्स बहुत सारे थे हमारे, कुछ फेमस उनमें से और के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे राज बिहारी घोष हैं, RC दत्त हैं, FG रानडे हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, अनंद चालू हैं, विलियम वेदरबर्न हैं। सो इस तरह से गाइस बहुत सारे मॉडरेट लीडर्स हुए। सो मूविंग नेक्स्ट, अब इनके एम्स क्या थे, डिमांड्स क्या थे, ये ब्रिटिशर्स से क्या चाहते थे। ये चाहते थे कि एजुकेशन मिलना चाहिए मासेस को, लोकल मासेस को एजुकेशन मिलना चाहिए, और पब्लिक ओपिनियंस को ऑर्गेनाइज करने की, पब्लिक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की परमिशंस मिलनी चाहिए ताकि हम अपने इश्यूज़ को ओपनली डिस्कस कर सकें। उसके बाद इन्होंने एक और डिमांड रखी जो बहुत मेजर डिमांड थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और इंडियन काउंसिल जो है लंदन में उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से। एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से सेपरेशन का मीनिंग आप समझते हैं गाइस, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, मीन्स कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो जस्टिफाइबल तो नहीं है, पर हाँ जैसे ही कहीं पे कोई भी गवर्नमेंट आती है तो आपके प्रियम्बल में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि ये आपको फॉलो करनी ही करनी है। बाय लॉ तो वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, पर हाँ आपको बताया गया है कि ये आपका एक मौलिक अधिकार बनता है, एक मौलिक ड्यूटी बनती है कि आप इसको फॉलो करें। इनकी एक और डिमांड थी कि टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है वो घटाना चाहिए, पीजेंट का ऑपरेशन जो पीजेंट को आप सप्रेस कर रहे हैं बार बार, उनसे हैवी टैक्सेशन लेकर के उनके जो है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करके, वो भी स्टॉप होना चाहिए। उसके बाद उनकी एक और डिमांड थी कि ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो था इंडिया में अलॉन्ग विद इंग्लैंड दोनों जगह पे
होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बराबर यूरोपियंस के साथ ले सकें। उसके बाद फ्रीडम फॉर एसोसिएशन होना चाहिए, मींस एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने की परमिशन इनको मिलनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटल इंडस्ट्रीज़ मीन्स परमिशन मिलनी चाहिए कि हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में खोल सके। एंड ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, और आर्म्स एक्ट जो था 1878 का, उसको भी रिमूव करने की इनकी डिमांड थी। गाइज इसके अलावा भी बहुत सारी डिमांड थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगी तो मैंने वही आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट की है। सो नेक्स्ट कमिंग गाइज की व्हाट वाज द सक्सेस ऑफ द मॉडरेट्स, की उनका सक्सेस रेट क्या था, उनके फाइनल रिजल्ट क्या मिला उनकी डिमांड्स के बाद। जो उनकी सबसे पहली फर्स्ट अचीवमेंट थी वो थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट ने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंक्रीज कर दिया इंडियंस का प्रोपोर्शन एज नॉन ऑफिशियल्स इन द काउंसिल। उसके बाद ये जो थी हमारी मॉडरेट्स की पॉलिसीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इसने एक बीज बोया। किसका बीज बोया? नेशनलिज्म का। लोगों में एकजुटता आई, एकता आई कॉमन प्रेस के कारण, कॉमन डायलेक्ट क्रिएट होने के कारण, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को रिवाइवल के कारण, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देने के कारण इनमें क्या हुआ, एक वननेस का फीलिंग आया। जो ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, रेल और रोडवेज का नेटवर्क, टेलीग्राफ जो यूरोपियंस ने हमारे कंट्री में लाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो थे इनका आपस में कनेक्शंस बढ़ गया, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ गया। दे पॉपुलराइज द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इन्होंने ये आइडियाज़ डेमोक्रेसी का लाया, लिबर्टी का लाया, और इक्वलिटी का भी जो था माइंड में इस मूवमेंट ने लाया। मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से ये सारी जागरूकता लोगों के दिमाग में आई, और इसी के बाद उन इंडियंस को समझ आया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, मीन्स हमें लूट करके लेके जा रहे हैं। सो नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या रही? ये फेज जो था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इसमें जैसा कि आपने पीछे स्लाइड में देखा था कि इसमें क्या था इंक्लूडेड, इसमें सिर्फ इंक्लूडेड था हमारा अपर मिडिल क्लास, अपर अर्बन क्लास ऑफ पीपल, मीन्स एजुकेटेड एलाइट लोग ही इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसलिए इसमें एक्सक्लूडेड थे मासेस एंड ओनली एलाइट्स पार्टिसिपेटेड। दे डिड नॉट डिमांड फॉर कम्प्लीट इंडिपेंडेंस, इन्होंने नहीं डिमांड की, इन्होंने कहा कि ठीक है हम ब्रिटिशर्स की डोमिनियन में ही काम करेंगे, बट हमारे कुछ सेइंग होनी चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में जगह मिलनी चाहिए, हम जो है इनकी रूलिंग में अपनी तरफ से भी हेल्प कर सकें, हमें ऐसा चाहिए, हम लॉयल हैं आपके लिए, हम आप समझते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हम प्रेयर्स पटिशंस और प्रोटेस्ट के साथ ही आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। उस समय उनको मास पावर का पता नहीं था, जो कि गांधी जी बहुत अच्छे से समझे बाद में आकर के, और फिर उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया जिसके फलस्वरूप हमें फाइनली हमारी स्वतंत्रता भी मिली। उस समय वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ देयर आइडियाज़ जो थे उस समय इंडियंस के, मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ जो थे वो वेस्टर्न यूरोपियन थिंकर्स के आइडियाज़ से ही मेल खाते थे, क्योंकि उन्होंने उन्हीं का लिटरेचर पढ़ा था। क्योंकि इंडिया में उस समय जो लैंग्वेजेस थी वो थे अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज, जिसमें इतना ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, अगर कोई पढ़ना भी चाहता था तो उनके पास इतनी ज़्यादा लिटरेचर नहीं अवेलेबल था, तो उनका जो मैक्सिमम थिंकिंग थी वो कहाँ से इवॉल्व हो रही थी, वो यूरोपियन राइटर्स से, यूरोपियन थिंकर्स से, या वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा ऑप्रेस थी। तो ये सारी लिमिटेशंस थी, लेकिन इन सारे फेलियर्स के बावजूद भी मॉडरेट्स ने एक फाउंडिंग स्टोन ले किया फॉर मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। मीन्स मॉडर्न नेशनल मूवमेंट को आप कह सकते हो कि एक उन्होंने स्टार्ट दे दिया, एक पुश दे दिया कि हाँ जो गलतियाँ हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडियंस अब उनको जानते हैं, और इंडियंस अगर एकजुट हो जाएं तो वो उनको मिल करके आगे कंप्लीट भी कर सकते हैं, मीन्स वो अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं। देन कमिंग नेक्स्ट टूवर्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं,
तो वो भी हम थोड़ा से डिस्कस कर सकते हैं, मेन मेन पॉइंट्स जो हैं। जैसे कि हमने देखा गाइस कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ये शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। तो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वॉज एनी बेसेंट। बट गाइज यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि एनी बेसेंट जो थी वो इंडियन नहीं थी। वो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी, अगर कोई आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो देन योर ऑप्शन विल बी मिसेज सरोजनी नायडू। देन कमिंग नेक्स्ट कि हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन से बने, तो ही वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, पारसी प्रेसिडेंट कौन से, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन थे, तो ही वॉज दादा भाई नौरोजी। देन कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट यूरोपियन और इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बने, तो ही वॉज जॉर्ज यूल। अब इनके अलावा जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं, तो गाइज हमको उनको भी ध्यान में रखना होता है। जैसे हु वॉज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ही वॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देन कुछ और पॉइंट्स हैं गाइज इसमें, गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने, तो इन 1924, और कहाँ पे बने, बेलगाम सेशन के अंदर बने। देन जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ रही हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, तो गाइज इनके बारे में भी पता होना चाहिए हमें। तो 1929 में लाहौर सेशन इन्होंने प्रिजाइड किया। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट कब बने, हिरपोरा सेशन के 1938 में। सो गाइज ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में गलती कर जाते हैं। जैसे हमें पूछेगा कि वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो हम लगा के आ जाएंगे सरोजनी नायडू। लेकिन अगर हमें सिर्फ वुमेन प्रेसिडेंट पूछा है तो हम लगाएंगे एनी बेसेंट, और अगर इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा है देन ओनली वी विल मार्क द ऑप्शन दैट इज सरोजनी नायडू। सो गाइज विद दिस वी एंड अप विद आवर फर्स्ट फेज, दैट इज़ मॉडरेट फेज, यानी 1885 टू 1905। एंड बेस्ड ऑन दैट जो हमने अभी अंडरस्टैंड किए पॉइंट्स, वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू टुडे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इसको समझिए, आपको लेक्चर से इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएगा गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।